माता दाखिल नहीं है, दाखिल नहीं है माता। दो मिनट के लिए बाहर आ जाना वैसे। नंबर इनके पास है क्या? हाँ भैया, लगातार बारिश का पानी जमा होने से डेंगू व मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के पैदा होने की संभावना बढ़ गई है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने घर की छत पर पड़े टूटे फूटे खिलौने, टायर, मटके, घड़े इत्यादि को हटा दें व पानी की टंकी को ढककर रख दें, पानी के ड्रम को भी ढककर रख दें व कूलर को एकदम रगड़ कर सुखा कर साफ कर दें। पशु पक्षियों को पिलाने वाले बर्तनों का पानी व गमलों का पानी सप्ताह में एक बार सुखा दें ताकि इनमें पैदा होने वाले मच्छरों के अंडे व लार्वा नष्ट हो जाए। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मलेरिया अधिकारी से संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि प्रदेश हरियाणा में हो रही लगातार बारिश का पानी जमा होने से डेंगू व मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के पैदा होने की संभावना बढ़ गई है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने घर की छत पर पड़े टूटे फूटे खिलौने, टायर, मटके, घड़े इत्यादि को हटा दें व पानी की टंकी को ढककर रख दें, पानी के ड्रम को भी ढककर रख दें व कूलर को एकदम रगड़ कर सुखाकर साफ कर दें। पशु पक्षियों को पिलाने वाले बर्तनों का पानी व गमलों का पानी सप्ताह में एक बार सुखा दें ताकि इनमें पैदा होने वाले मच्छरों के अंडे व लार्वा नष्ट हो जाए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम के शुरुआत के साथ ही डेंगू का खतरा भी बढ़ जाता है और डेंगू से बचने का एकमात्र उपाय है डेंगू के बारे में जानकारी हासिल करना। जी हाँ, डेंगू की जांच, इलाज व बचाव की जानकारी देने हेतु स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जुलाई महीने को डेंगू रोधी माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम आपके घर की टंकी, कूलर, हौदी, गमले इत्यादि को चेक करेगी कि कहीं उनमें डेंगू फैलाने वाले मच्छर तो पैदा नहीं हो रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप स्वास्थ्य विभाग की टीम का पूर्ण सहयोग करें व डेंगू की रोकथाम हेतु अपनी जिम्मेदारी निभाएं। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। मालूम है कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम के शुरुआत के साथ ही डेंगू का खतरा भी बढ़ जाता है और डेंगू से बचने का एकमात्र उपाय है डेंगू के बारे में जानकारी हासिल करना। जी हाँ, डेंगू की जांच, इलाज व बचाव की जानकारी देने हेतु स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जुलाई महीने को डेंगू रोधी माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम आपके घर की टंकी, कूलर, हौदी, गमले इत्यादि को चेक करेगी कि कहीं उनमें डेंगू फैलाने वाले मच्छर तो पैदा नहीं हो रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप स्वास्थ्य विभाग की टीम का पूर्ण सहयोग करें व डेंगू की रोकथाम हेतु अपनी जिम्मेदारी निभाएं। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद। हो रही लगातार बारिश का पानी जमा होने से डेंगू व मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के पैदा होने की संभावना बढ़ गई है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने घर की छत पर पड़े टूटे फूटे खिलौने, टायर, मटके, घड़े इत्यादि को हटा दें व पानी की टंकी को ढककर रख दें, पानी के ड्रम को भी ढककर रख दें व कूलर को एकदम रगड़ कर सुखा कर साफ कर दें। पशु पक्षियों को पिलाने वाले बर्तनों का पानी व गमलों का पानी सप्ताह में एक बार सुखा दें ताकि इनमें पैदा होने वाले मच्छरों के अंडे व लार्वा नष्ट हो जाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मलेरिया अधिकारी से संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। स्वास्थ्य विभाग को जहां जहां
डेंगू के पॉजिटिव केस मिले हैं वहाँ वहाँ नगर निगम ने फॉगिंग की है। जहाँ जहाँ फॉगिंग की जा रही है वहाँ वहाँ लोगों को समझाया भी जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है ताकि वह दिन में घूमने वाले मच्छर से सावधान रहें, क्योंकि साफ पानी में आने वाला मच्छर डेंगू फैलाता है और इसी को लेकर विभाग लगातार मुनादी करवा रहा है, शिविर लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुशीला सैनी ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कहां कहां कितने कितने केस आए हैं और क्या करना चाहिए। बाढ़ के कारण इस बार कई तरह की बीमारियां होंगी, डेंगू के अलावा भी कई तरह की दिक्कतें होंगी, जानते हैं डॉक्टर सुशीला सोनी जी से। बीमारियां आती तो जिला यमुनानगर किस तरह की तैयारी है, क्या स्थिति है? देखिए, हमने अभी ब्रीडर चेकर भी रखे हैं 1 जुलाई से, और जितने हमारे MPHW ANMs आशा वर्कर सारे घर घर जाके रैपिड फीवर सर्वे कर रहे हैं, और जहाँ पे भी पानी खड़ा हुआ था वहाँ हम स्प्रे करा रहे हैं, टेमीफोस डाली जा रही है, और जैसे ही लोगों की डिमांड है हम वहाँ जाके कैंप भी लगा रहे हैं, तो सभी फीवर केसेस की स्क्रीनिंग की जा रही है। तो क्या स्थिति है अभी तक? जो इस महीने 5 केस डेंगू पॉजिटिव आए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमने नगर निगम को दे दी है, तो वहाँ पे उन्होंने फॉगिंग भी करा दी है, उनकी पिक्स भी हमारे पास आई हैं, उस एरिया में उसके आसपास के घरों में फॉगिंग हो चुकी है, जो रह गए हैं वो जल्दी वहाँ पे फॉगिंग हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जैसे बाढ़ आई और पानी अब उतर रहा भी ठहरा खेतों में, तो वहाँ की क्या स्थिति है और क्या हालात? देखो, वहाँ पे ये है कि लोग थोड़ी प्रिकॉशंस तो रखे हैं। अब जैसे पानी जो पंचायत है या अर्बन में MC है जो गड्ढे भर सकते हैं तो उनको उनकी भराई कराएं, और जो पानी जो खड़ा ही है वहाँ पे हमारे हेल्थ की टीम या फिर वो खुद टेमीफोस काला तेल डलवा दें ताकि वहाँ मच्छर ना पैदा हो और लोगों को नुकसान ना हो। कैंप भी लगाए जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, कैंप लगाए गए हैं। आज भी टैगोर गार्डन में कैंप हुआ था और एक सेक्टर जगाधरी में हुआ था, कल जगाधरी में किया, जड़ौदा गेट में भी आज एक कैंप हुआ है। ऐसे ही हम डेली बेसिस पे जहाँ पे भी लोगों की डिमांड आती है हम वहाँ कैंप लगाते हैं। दरअसल जैसे क्योंकि ये जो सीजन है डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया रहता है, क्या तो प्रिकॉशन रखें और क्या आपके द्वारा तैयारियां विभाग की? देखो, हमने अपने अपने जितने भी सरकारी अस्पताल हैं सभी में डेंगू बेड रिजर्व कर दिए हैं। बाकी लोग अपने घरों में, जैसे हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर की अपील है, अपने घरों में हर रविवार को सूखा दिवस मनाएं। जैसे ऑफिसेज में हम प्रत्येक शुक्रवार को सूखा दिवस मनाते हैं, जो भी आपके पानी जहां भरा हुआ है जैसे गमलों के नीचे ट्रे में फ्रिज में कूलर में जो पानी है उसको फेंक दे, नहीं तो 2-3 दिन बाद उसमें मच्छर पनपने शुरू हो जाते हैं और फिर वो नुकसान करते हैं। और दूसरा, अगर किसी को भी घर में पॉजिटिव आ जाता है डेंगू पॉजिटिव, उसको मच्छरदानी में रखें, दूसरों से थोड़ा अलग रखें ताकि उसको अगर मच्छर काटेगा तो दूसरों का दूसरे सब जगह वो डेंगू फैल जाएगा अगर पॉजिटिव आता है। और हमारे पास फ्री टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर किसी को बुखार है कुछ है तो सरकारी अस्पताल में आके जाँच कराएं, नज़दीकी स्वास्थ्य जो भी संस्था है वहाँ पर जाँच कराएं, अपने आप दवाई ना लें। जैसे GH में यहाँ पे यमुनानगर में डेंगू वार्ड बना दिया, उसमें 10 बेड रिजर्व कर दिए हैं। ऐसे ही जगाधरी में SDH में डेंगू वार्ड बना दिए गए जिसमें 8 बेड रिजर्व हैं। ESI अस्पताल में भी हम मेडिकल सुप्रिटेंडेंट से मिलकर आए थे, उन्होंने भी डेंगू वार्ड बना दिए, वहाँ पे भी 4 बेड रिजर्व हैं ESI में। ऐसे ही सभी CSC पे 1-1 बेड रिजर्व हैं, सढ़ौरा में 2 बेड रिजर्व कर दिए गए। डॉक्टर साहब, किस तरह के लक्षण आते हैं डेंगू में? उसको बुखार होगा, तेज बुखार होगा, और अगर जोड़ों में दर्द है, अगर पॉजिटिव आता है उसको डेंगू, कई बार कुछ लोगों को वोमिटिंग आ जाती है या फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो फिर वो एक खतरे वाला निशान है, तब उसने आके हॉस्पिटल में इलाज कराना है। जो डॉक्टर एडवाइस करेगा, अगर उसके प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं तो हम उसको एडमिट करेंगे और प्लेटलेट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी उनको तो, नहीं तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, पानी ज़्यादा पीना है, तरल पदार्थ ज्यादा खाने हैं और रेस्ट करना है।